कैसे और क्यों डरे हैं भाजपा सभासद मनीष विश्वकर्मा। सहमा डरा और कोई दूसरा नहीं बल्कि भाजपा सभासद है जिन्हें अपने ही पार्टी के चेयरमैन पद से जानमाल का खतरा हो गया है। मुझसे उन्होंने आशंका जताई कि मेरे साथ या मेरे परिवारजनों के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो उसके लिए संजय वैश्वार और उनके लोग जिम्मेदार होंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी की राह पर चलने से यह दिक्कत खड़ी हुई है। उन्होंने अपनी बात मोदी जी, योगी जी और उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की गुहार लगाई। योगी जी के राज में मोदी जी की राह पर चलने वाला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर पंचायत के भाजपा सभासद मनीष विश्वकर्मा जी अपने और अपने परिवारजनों के जान की भी मांग रहे हैं। खतरा किसी और से नहीं बल्कि ओबरा नगर पंचायत के भाजपा से जीती अध्यक्ष प्राणमती देवी के पति अनपरा थर्मल परियोजना में तैनात इंजीनियर संजय बैसवार से और उनके लोगों से है। उन्होंने क्यों वीडियो बनाया पूरा माजरा सुनिए। मनीष जी ने फोन किया और खोज कर मुझसे मिले। कर सकते हैं मदद तो करें, अन्यथा हमारे आपके पास अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। चाहे तो शेयर भी कर दें जिससे यह बात अधिक से अधिक जिम्मेदारों तक पहुंच सके और पीड़ित भयभीत सहमे भाजपा सभासद मनीष विश्वकर्मा व उनके परिवारजनों की जान बच सके या फर्जी मुकदमों से बचाया जा सके। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय भी बचाव में उतर आए हैं जिसकी जानकारी मनीष विश्वकर्मा जी को भी है। वे कहते हैं कि ईमानदार सोनभद्र जिले के प्रतिष्ठित जिलाधिकारी जिनमें लोगों के प्रति विश्वास है और वे ईमानदार हैं पर फर्जी आरोप लगाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त संजय बैसवार ने पार्टी को बदनाम कर दिया है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सभासद मनीष विश्वकर्मा की जुबानी। इससे पहले आप नगर पंचायत में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाया था। काम नहीं होने से नाराज लोगों ने नगर पंचायत के सभासदों के नेतृत्व में पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। जनचर्चा है कि वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने भी बड़े पैमाने पर पूर्व से हो रही गड़बड़ी को रोका भी है पर पुरानी करोड़ों की गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं हुई यह विचारणीय बिंदु है। फिलहाल आप इन सब चीजों को देखें फिर सुनिए सभासद मनीष विश्वकर्मा की जुबानी। आप देखें जब उन्होंने काम के सिलसिले में नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रति चर्चा की जब बात नहीं बनी तो उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। उस दौरान की इनकी यह तस्वीर है। हम खबरें गजट से इन चीज़ों को लिए हैं, हम उनके आभारी हैं। देखिए ईओ बोले बिना काम के लाखों का बंदरबाट। अधिशासी अधिकारी जो एक जिम्मेदार पद है यह हिंदुस्तान की खबर है। थोड़ी सी हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। ओबरा नगर पंचायत में बिना काम कराए ही धन का बंदरबाट किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे। यह आरोप नगर पंचायत ओबरा के शासी अधिकारी टी एन चौबे ने लगाया है। इस समय वे नहीं हैं। इस समय ओबरा नगर पंचायत के शासी अधिकारी अमित सिंह जी हैं। ये पूर्व के शासी अधिकारी का बयान है। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष के पत्नी ने आरोपों को झूठा बताया। टी एन चौबे ने हिंदुस्तान से मोबाइल फोन पर बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार का विरोध करने पर अध्यक्ष के पति उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इस खबर के लिए हम हिंदुस्तान समाचार पत्र के आभारी हैं जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और वह गोपीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। श्री चौबे ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद फर्जी तरीके से कागज पर बड़े पैमाने पर नहाते रिश्तेदारों सहित पार्टी नेताओं को भी ठेका पर रखकर बिना कार्य कराए लाखों रुपए बंदरबाट कर रहे हैं। श्री चौबे ने बताया कि इस समय ओबरा नगर पंचायत में संविदा कर्मियों सहित ठेके पर कुल लगभग 240 कर्मियों के प्रति कर्मी 7,500 रुपए प्रतिमाह पर रखा गया है जबकि कभी भी इतने कर्मी कार्य पर दिखाई नहीं देते। इस माह से सभी संविदा कर्मियों सहित ठेके पर रखे कर्मचारियों के खाते में वेतन भुगतान करने के आदेश दे देने से नाराज होकर अध्यक्ष पति ने हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है। बताया कि नगर पंचायत से बाहर सेक्टर 10 स्थित मलिन बस्ती में लगभग 1.5 करोड़ का कार्य कराया गया। बिना टेंडर कराए ही नगर पंचायत में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक का काम कराया जा चुका है। नगर की साफ सफाई के लिए बनी 4 टीम में प्रत्येक टीम में सफाई कर्मियों
के अतिरिक्त साफ चार सफाई नायक, चार सुपरवाइजर, चार सफाई निरीक्षक है। बावजूद इसके नगर की साफ सफाई बेपट्टी है। चिल्ड्रन पार्क की देखभाल के लिए 35, पानी टंकी पर 28 और पंप हाउस पर 15 कर्मी ठेके पर रखे गए हैं। पहले जहां 2.5 लाख का डीजल खर्च होता था, अब वहीं 5 लाख रुपए का डीजल खर्च हो रहा है। पहले नगर की सफाई के लिए 6 ट्रैक्टर लगाए गए थे, अब 7 ट्रैक्टर सहित 1 दर्जन टिपर भी लगाए गए, बावजूद नगर की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के हस्तक्षेप एवं मनमानी तरीके से किए जा रहे खर्चों की वजह से नगर का विकास कार्य ठप हो गया है। इस मामले को लेकर ADM उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि ओबरा नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरा मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही इसकी समुचित जाँच कर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष पद संजय बेसवार ने बताया कि शासी अधिकारी से हमारी मुलाकात 20 दिनों से नहीं हुई, उनके मोबाइल पर फोन से भी बात नहीं हुई, तो हम कैसे उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका आरोप बेबुनियाद है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जिम्मेदार पूर्व के शासी अधिकारी जो जिम्मेदार पद है उन्होंने भी आरोप लगाए थे, परंतु इस मामले में आगे क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। ये देखें आप, इन आरोपों के बीच और अन्य चीज़ों के बीच काम नहीं होने को लेकर के खबरें गजट ने प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें और वीडियो भी लोगों को दिखाए थे, जिसमें मनीष विश्वकर्मा आंदोलन कर रहे हैं। ये कार्यालय नगर पंचायत ओबरा की तस्वीर है, यहाँ से मुझे खबरें मिली हैं, हम उन सभी लोगों के आभारी हैं। गांडी में छपा था, भ्रष्टाचार को लेकर नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन, देख सकते हैं किस प्रकार से। और आगे भी देखें आप, ये सब चीज़ें देखें आप, मनीष विश्वकर्मा ने नगर पंचायत अध्यक्ष पति इंजीनियर संजय बेसवार के व्हाट्सएप पे भेजा है जो चीज़ें, ये सब जुलाई की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा सम्मान चला जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह मनीष विश्वकर्मा ने लिखा है उनके व्हाट्सएप पर। उन्होंने देखा भी, एक दिन ऑफिस में अध्यक्षा जी कुछ गलती पर मिश्रा जी और CM सिंह को चप्पल मारने की धमकी देने लगी। हालांकि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन उनके व्हाट्सएप से यह चीज़ आई है, देखा जाएगा भविष्य में क्या आखिरकार वह संदर्भ क्या था जिसमें उन्होंने चप्पल से मारने की बात कही थी। और देखिए, मैं अपने के लिए बोलता नहीं हूँ, जनता की समस्या बताता हूँ। यह मनीष विश्वकर्मा ने संजय वैश्वार के व्हाट्सएप पे भेजा, इसको उन्होंने देखा, ये देखिए तस्वीर भेजा है, उन्होंने वीडियो भी भेजा है। आपके राज्य में गंदा पानी पी रहे लोग आपसे कितनी बार बोले, लेकिन आप एक बार भी ध्यान नहीं दे। ये मनीष विश्वकर्मा जी ने गंदा पानी जो पाइप टूटी हुई है उसकी तस्वीर वीडियो बना करके उन्होंने उनके व्हाट्सएप पर भेजा, मेरे यहाँ उन्होंने स्क्रीन शॉट लेके भेजा है, जो समस्त सामग्रियाँ दिखाई जा रही हैं उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा है। ये देखिए आप, 20 जुलाई 2020 की बात, उस दिन वो लिखते हैं, उन्होंने बताया भी कि कई बार हमने फ़ोन मिला लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिए, Sector 2D टाइप कॉलोनी में सफाई कराना है, कृपया करके भेज दीजिए, हम सफाई करा लें और ब्लीचिंग के साथ, पर यह सफाई नहीं हुई। आगे देखें आप, फिर उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई कि आपके चुनाव के दौरान, चूँकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आपकी पत्नी थी जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनी, और हम भी भारतीय जनता पार्टी के वार्ड मेंबर थे, और किस तरह से आपके लिए हम लोगों ने काम किया था, उन्होंने दुहाई दिया कि हो सकता है ये दुहाई दें तो काम हो जाए किसी भी तरह से। वे अपने वार्ड में लगातार बेइज्जत होते रहे और लोग ये कहते रहे कि हमने वार्ड मेंबर आपको बनाया है तो आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं, इससे वे अत्यंत दुखी रहे। मनीष विश्वकर्मा जी, उन्होंने इन तस्वीरों को भी उनके व्हाट्सएप पर भेज करके, ये सब जुलाई महीने का है, पिछले जुलाई महीने का, कि बताया कि देखिए किस तरह से हम लोग आपके चुनाव में लगे थे, ये तस्वीरें उन्होंने भेजी। अब देखिए आप, जब आप हमारे कहने से कोई काम नहीं कराएंगे तो हम जो लेटर लिख कर दिए हैं आज शाम तक हमको दे दीजिए, हम समझ गए आप कैसे आदमी हैं, अत्यंत दुखी होकर। आगे देखें, जैसे सब लोग झूठ सच बोलते हैं आप वहीं जाते हैं, हम भी करें तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपके सभासद हैं लेकिन आप हमको अपना सभासद समझते ही नहीं, आप कई बार वादा किए कि आपके कहने पर काम होगा लेकिन 2.5 साल बीत गया, आप हमारी बर्बादी कर दिए, आपकी वजह से जनता गाली देती है। यह चीज़ें उन्होंने संजय बेसवार के व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है और उन्होंने इसको देखा भी है, इसमें वो संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आगे सभासद लोग को कुछ समझते ही नहीं, आप इतना कमीशन से कमा लिए हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारा सम्मान चला जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये चीज़ें उन्होंने संजय बेसवार के व्हाट्सएप पर भेजा और उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा भी। ये देखिए जो असली चीज़ है,
और उन्होंने जुलाई महीने में ही संजय वैश्य, चूंकि आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, इन्होंने आरएसएस को बदनाम किया है, जबकि आरएसएस भी इनके कार्यों से हमें लगता है कि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, जनहित के लिए कार्य करता है और ऐसे लोगों से सदैव दूरी बना करके रहता है। फिर भी मनीष विश्वकर्मा ने इनका जो नंबर सेव किया है उसके पहले आरएसएस लिखा है, संजय भैया जी लिखा है उन्होंने, किस तरह से देखें आप, ये दो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, दोनों की तस्वीरें एक जैसी है, ये जुलाई महीने में ही। और हम आपको बता दूं, इन दोनों वीडियो में से यह वीडियो जो ऊपर की वीडियो चली है, उन्होंने स्क्रीन शॉट के भेजा है, और ये जो दूसरी वीडियो है वह सुरक्षित पड़ी हुई है, उसमें भी उन्होंने लोगों के ऊपर इसी तरह के उलूल जुलूल आरोप लगाए हैं जिसको मनीष विश्वकर्मा जी ने खुद बनाया था। आप देखिए, देख लीजिए, हम सोचे थे कि आप हमारे पार्टी के हैं, अब कुछ नहीं करेंगे तो आप, लेकिन आप कुछ करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। ये उन्होंने वीडियो बना करके दिया कि जब आप जनहित में काम नहीं करेंगे तो यह वीडियो है, आप देख लीजिए, आखिरकार हम अपना मान सम्मान कैसे बचा सकते हैं। देख लीजिए, हम सोचे थे आप पार्टी के हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ करने के लिए मजबूर कर दिए। इन्होंने अपने व्हाट्सएप पे संजय को भेजा है कि आप अब सीधे डीएम साहब से बात होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर दिखाएंगे कि डीएम साहब कैसा कमीशन लेते हैं ओबरा नगर पंचायत से। चूंकि मनीष विश्वकर्मा ने कहा है कि ईमानदार छवि के सोनभद्र के जिलाधिकारी, वर्तमान जो जिलाधिकारी है वे ईमानदार हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, फिर भी जब आपने डीएम के ही आरोप लगाया है, डीएम साहब के ऊपर ही आरोप लगाया, तो हम इन सब चीज़ों को डीएम साहब से भी बात कराएंगे और ज़रूरी होगा तो मुख्यमंत्री जी से भी जा करके मिलेंगे और उन्हें भी दिखाएंगे। यह बातें उन्होंने जुलाई में लिखा ताकि उनके वार्ड में पेयजल की समस्या है या बिजली स्ट्रीट लाइट की है, टूटी हुई सड़कें हैं, टूटी पुलियां हैं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं, गंदगी पड़ी हुई है, इन सब चीज़ों का काम हो सके। क्यों? क्योंकि वहां की जनता लगातार मनीष को घेर रही थी कि हम लोगों ने आपको जिताया, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देखें किस प्रकार से भैया जी सादर प्रणाम लिख रहे हैं संजय वैश्वार को, लॉकडाउन इतना दिन तक चला तो आपको किसी सभासद की याद नहीं आई, मैं एक लेटर लिखा एक सपाई के खिलाफ तो से बचार के सभासद लोगों की याद आने लगी, ऐसे सभासद की याद नहीं आती है, लॉकडाउन में किसी सभासद से फ़ोन करके हालचाल नहीं लिए आप सोचते हैं कि मनीष विरोध क्यों करता है। मैं विरोध इसलिए करता हूं कि आप जब से चुनाव जीते हैं हम जो भी काम बोले आप एक भी नहीं किए हैं और वही काम आपके चहेते, उन्होंने लिखा है कि किसी दूसरे कहने में आकर के आप इस काम को करते हैं। और ये देखिए, लखनऊ से जब इन्हें आमंत्रित किया गया था चुनाव के बाद ही, तो उस समय मनीष जब वहाँ गए थे तो यहाँ के कार्यों से दुखी थे, तो उन्होंने माननीय नगर विकास मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था आपको सहृदय अवगत कराना है कि वार्ड 7 के कार्यों का प्रस्ताव देने के बाद भी 14वें वित्त राज्य बिल के धन से कार्य नहीं कराया गया, ये जनहित में बहुत ही निंदनीय है। ओबरा नगर पंचायत जनपद सोनभद्र के पिछले 14वां वित्तीय धन को बहुत गलत ढंग से अपने चहेते ठेकेदार और चेयरमैन की मिली भगत से किया जाता है, यह उन्होंने शिकायत की थी। अपने चहेतों के द्वारा 70% कार्य कराया जाता है और बिना कार्य कराए 70% भुगतान कर दिया जाता है, कितनी गंभीर बात उन्होंने लिखी है। आप देख लें यहाँ पर इस बात को किसने लिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं मनीष कुमार विश्वकर्मा जी, जो वार्ड मेंबर 7 के सभासद भी हैं नगर पंचायत ओबरा के, और भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष प्रत्याशी थी आदरणीय श्रीमती प्राणमती देवी जी जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनके विरुद्ध या उनके विरुद्ध कहें या उनके संदर्भ में वे इस पत्र को लिख रहे हैं। यहाँ तक लिखें जिसे सरकार और पार्टी की छवि धूमिल हो रही, अतः आपसे करवत प्रार्थना है कि वार्ड 7 में चेयरमैन और ठेकेदारों द्वारा एक भी पैसे का कार्य न कराकर बंदरबांट किया जा रहा है, कितना गंभीर आरोप, संज्ञान में लेते त्वरित जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, ये मनीष जी ने लिखा। इस पर इनके पति ने इनको बुला करके समझाया बुझाया और कहा, देखिएगा आगे आप वीडियो में सुनिएगा, कि आप ऐसा न करें अन्यथा अध्यक्षा जेल चली जाएंगी। यह मनीष विश्वकर्मा जी ने अपनी बात में कही, देखिए ज्ञापन देते हुए तस्वीर है वहाँ पर, वे जब लखनऊ में गए थे अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। और ये देखें आप, चूँकि मनीष जी सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हैं, जा करके वहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी से भी वे मिले थे और अपनी बात उन्होंने रखी थी नगर विकास के संदर्भ। और यह देखें आप, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मनीष जी का जब वीडियो, मनीष जी द्वारा बनाया गया वीडियो
जब हमारे चैनल पर प्रसारित हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने एक आदमी से यह लिख करके उनके पास भिजवाया कि आप इस तरह का इसको पढ़ें और इस तरह का एक वीडियो बना करके वायरल कर दें, जैसा मनीष जी ने कहा। किसने लिखा यह जांच का विषय है, यह हैंड राइटिंग किसकी है यह भी जांच का विषय है, लेकिन मनीष को जिसने दिया वह उसे मनीष बखूबी जानते हैं। देखिए आप, अपने बचाव के लिए उन्होंने मनीष जी कहा यह पत्र भिजवाया कि आप इस तरह से लिख करके भेज दें ताकि हमारी जान बच जाए और जो वीडियो चल रहा है उससे हमें सहूलियत मिल जाए, ठीक है। लेकिन मनीष जी बखूबी उलझ चुके थे और मनीष जी के बाद इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने इस लिखे हुए कागज़ को अपने पास सुरक्षित उन्होंने रख लिया और आज बदहवास हालत में वे हमसे मिले। फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने समय मांगा, हमने कहा कि आप आइए हम आपसे बात करते हैं और आपकी बातों तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के प्रमुख अधिकारी और सोनभद्र के ईमानदार जिलाधिकारी, बार बार हम कह रहा हूँ कि हालांकि हमने कोई उनसे कार्य नहीं लिया न तो हमने उनसे कोई काम के मकसद में हमारी कभी मुलाकात हुई, लेकिन सोनभद्र की जनता आज की तारीख में सोनभद्र के डीएम को ईमानदार मानती है, उसने ऐसा कुछ देखा होगा। इन सब चीज़ों को उन लोगों के पास तक भेजने की हमारे तरफ से कोशिश होगी ताकि सभासद मनीष विश्वकर्मा के जान माल की सुरक्षा हो सके और उन्हें राहत मिल सके। इसके आगे आप मनीष विश्वकर्मा जी द्वारा दिए गए वीडियो को जो हमने उनसे बातचीत की है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और अंत में उनके द्वारा पूर्व में किए गए प्रदर्शन की वीडियो भी हम इसमें जोड़ेंगे जिसे आप देखेंगे। और उसके लिए जहाँ से भी हमने वीडियो लिया है उसमें लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, हम उन सबके आभारी हैं और यूट्यूब के चैनलों से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे सभासद मनीष विश्वकर्मा जो इस समय डरे सहमे हैं उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल सके। हम अपने यूट्यूब के दर्शकों को बता दें जिनकी तस्वीर देख रहे हैं आप सम्मानित सभासद हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के ओबरा नगर पंचायत के और अपने वार्ड में आप जनप्रिय भी हैं आदरणीय मनीष विश्वकर्मा जी। आपने कुछ वीडियो बनाए थे ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष के पति इंजीनियर संजय बैसवाल जी का जी। आज हम उस संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष जी आखिरकार आपके सामने वह कौन सी स्थिति आई कि आपको वह वीडियो बनाना पड़ा, आप उच्चाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को यहाँ तक कि जनता को बताने की कृपा करें। आदरणीय मनीष विश्वकर्मा जी, जब से हम चुनाव जीते एप्लीकेशन बना के देते थे और हमारी एक भी सुनवाई नहीं होती थी और हमारे वार्ड के विपक्ष के दूसरे लोग फ़ोन करते थे या मिल के उनको अपनी समस्या बताते थे, तत्काल कार्रवाई कर देते थे और हमको अनसुना करते थे, हमारी सुनवाई एकदम नहीं करते थे और जब हम बोले एक दो बार तो बोलते थे कि ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा करा देंगे, आ जाओगे लाइन में सुधर जाओगे। तो हम घुट घुट के जीते थे, वार्ड की समस्या हमको वार्ड के लोग हमको परेशान करते थे, काम कराओ तुमको हम चुने हैं, विश्वास करके तुमको वोट दिए थे और तुम काम ही नहीं करा पा रहे हो तो क्या मतलब है, और हम बहुत परेशान थे। मनीष जी हमको ये बताया कि किस तरह के मुकदमे की बात करते थे कि हम किस तरह का मुकदमा कायम करा देंगे। ST SC का मुकदमा कराने की धमकी देते थे कि सही से रहो, जो चल रहा चलने दो और ज़्यादा मत फड़फड़ाओ। आप मनीष जी बताइए कि जब आप निर्वाचित हुए थे तो उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि लखनऊ भी आपको बुलाया गया था सम्मानित सभासद। वो तो हम लोग को आया था मीटिंग के लिए, एक इस संदर्भ में नहीं था, दूसरे के लिए हम लोग को नाम चयनित हुआ था तो हम गए थे। तो हम वहाँ नगर विकास मंत्री जी से मिले, इनके खिलाफ़ हम यहाँ अपने ये चाहते चाहते ठेकेदार को काम देते थे और उसमें भ्रष्टाचार करते थे, उस संदर्भ में हम लेटर दिए थे नगर विकास मंत्री जी को जी जी। जब हम वहाँ से आए तो ये संजय भैया जी हमसे संपर्क करना चाहें, फिर हमसे मिले
बोले कि आप वहाँ लेटर दे दिए हैं और हम आपके चेयरमैन हैं, चलिए हम आपका काम कराएंगे। हमको बहुत समझाया समझाया तो हम मान गए, तो उसके संदर्भ में हमको एक लेटर लिख के दे दिए थे उनके बचाव के लिए। वो बोले अध्यक्षा जी जेल चली जाएँ आप यही चाहते हैं, तो हम मान गए, हम दे दिए। उसके बाद हम जब फ़ोन करने लगे तो हमारे फ़ोन का जवाब नहीं देते थे, अब बोले कि अब हो गया, जो होना था हो गया, अब आप जाइए। हमारा एक भी सुनवाई नहीं करते थे, हम बहुत कष्ट में रहते थे, वार्ड की जनता हमको गाली देती थी। आप उनसे जब मुलाकात होती थी जी, तो आप अपने वार्ड की कौन कौन सी समस्या उठाते थे, जरा सा उनकी भी चर्चा कर दें यहाँ पर। सबसे ज़्यादा समस्या तो नाली की है, लाइट की है, रोड की एकदम जर्जर हो गई है, और लाइट बारिश का टाइम था, लाइट लगवाने के लिए बोलते थे, कहते थे लाइट नहीं है, और अधिकारी लोग फ़ोन कर देते थे तो वहाँ लाइट तुरंत तत्काल लग जाती थी। और अधिकारी लोग तो कमा रहे हैं, वो चाहते तो अपने से खुद लाइट लगवा लेते, इंटरलॉकिंग लगवा लेते, लेकिन अधिकारी के यहाँ इंटरलॉकिंग लग जाए, और जब हम गरीब आदमी के यहाँ लगाने के लिए बोले तो बोले फंड नहीं है, पैसा नहीं है, और आपका वार्ड टूट क्षेत्र में है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों का प्रयास है कि टोटल काम ईमानदारी से हो जी। और उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो देवतुल कार्यकर्ता हैं, वे भी इसमें लगे कि ताकि शासन प्रशासन और सरकार की छवि भी ठीक बनी रहे। आप इसको क्या मान के चलते थे, क्या नगर पंचायत मोदी जी या योगी जी के पद चिन्हों पर चल रहा था या उसके विपरीत चल रहा है? नहीं, उसके विपरीत चल रहे थे, मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पे नहीं चल रहे थे, उसके विपरीत चल रहे थे, और भ्रष्टाचार में शुरू से ही लिप्त हो गए। जो आपने पहली वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने जिलाधिकारी से लेके कई अधिकारियों तक को कहा है कि इनको कमीशन जाता है, हाँ, या ये कमीशन लेते हैं, हाँ, तो उन्होंने ये बात जो कही, हाँ, तो क्या यह सत्य है? अब बोले हैं तो सत्य ही है, उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है। यह हो सकता है कि उन सारे लोगों के नाम पे कमीशन ले लेते हो, उनको बदनाम करने की कोशिश? हाँ, हो सकता है, उम्मीद सबसे ज़्यादा यही, हाँ, इन्हीं का है, यही भ्रष्टाचार ज़्यादा करते थे और उन लोगों के बहाने अपने ज़्यादा लूटते थे और उन लोगों को बदनाम करते थे। और सोनभद्र के जिलाधिकारी के बारे में आप बताइए कि वे किस तरह के हैं? हम जहाँ तक सुने हैं, जिलाधिकारी महोदय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ हैं, ईमानदार हैं। हाँ, ईमानदार हैं, तभी तो उनकी छवि पूरे जिले में एक अलग अधिकारी के रूप में ली जा रही है। हम कई बार मिलना चाहे लेकिन नहीं मिल पाए थे उनसे। अच्छा, हाँ, तो अभी आगे उनसे मिलेंगे आप, कोशिश हाँ, करेंगे? अगर हमको कोई दिक्कत परेशानी आगे आएगी, हम सुनने में आ रहा कि हमारे षड्यंत्र रचा जा रहा, हमको फंसाने की साजिश हो जा रही है, और हम एक दो दिन के अंदर उनसे मिलना चाहेंगे कि मिल के अपनी समस्या अवगत करा दें। आप ही बताएं कि इस समय संजय बैसवार से आप सुरक्षित हैं या खतरा महसूस कर रहे हैं? हमको तो खतरा महसूस है। किस तरह का खतरा? उनके लोगों द्वारा चौराहे पर कि इसको फंसवा देंगे, जान से मरवा देंगे, बहुत उड़ रहा है, नेतागिरी समाप्त कर देंगे, इस तरह की चीज़। हाँ, तो आपने अपने पार्टी फोरम पे भी इस बात को लोगों को बताया है? जी हाँ, बताए हैं। और उन लोगों से, अधिकारियों से और अपने पार्टी फोरम पर जो पदाधिकारी हैं उनसे क्या उनके उनका अभी नहीं सुनते थे। जी हाँ, तो आप अपनी तरफ से अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं कि अधिकारी आपकी जान माल की सुरक्षा कैसे करें या फर्जी मुकदमा की जो साजिश है उससे कैसे बचाव करें? बस हम यही चाहते हैं कि DM साहब इसको संज्ञान में लें और हमारी जान और हमारे परिवार को जान को बचाएं, हम फंसे ना, हम जिम्मेदार सभासद हैं, हम मोदी जी के कल कमों पर चल के हम काम करते थे और इनको जलन होती थी, इसीलिए हमारे काम नहीं कराते थे, अब हमको फंसाने की साजिश रची जा रही है। एक और बात आती है कि सभासद कहता है तो काम नहीं करते और दूसरे लोग जब फ़ोन कर देते हैं तो काम कर देते हैं। ये तो सही बात है, और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, और भी सभासद से पूछ लें तो वो भी बता देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी कहते हैं कि सभासद से क्यों फ़ोन करवाए? हाँ, मना कर देते थे कि आप डायरेक्ट हमको फ़ोन करिए, मैं काम कराऊंगा, सभासद से मत पूछा करिए। तो हम क्यों चुनाव लड़े तब, जब उनको जैसे DM साहब ओबरा में आए डायरेक्ट काम करवाने लगे, तो यहाँ SO CO साहब का क्या मतलब है? जी कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हम लोग भी हैं, आप हमारे वार्ड में जा रहे हैं तो आप सभासद को सूचित करिए कि आपके यहाँ ये समस्या है, आपको पता है कि नहीं पता है।
मनीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उच्च अधिकारियों से क्या उम्मीद करते हैं इस मामले में? अधिकारी महोदय जी से हम यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे जान को खतरा है, हमारे परिवारजनों को खतरा है, हमारे साथ साजिश रची जा रही है फंसाने की, जिसकी इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो हमको, हमारा निवेदन है कि हमको बचाएं। ठीक है, हम आपकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।